ये हालत होती है जब मैं कहीं ट्रिप से वापस आती हूँ, मतलब हमेशा ही हो जाती है अगर जल्दी जल्दी में कहीं जाना होता है ना, तो जो सामान हाथ में आता है और कहीं ना कहीं फेंक दो, ले लो। तो चलो आज मैं अपना वार्डरोब क्लीन करती हूँ आपके साथ, दिखाती हूँ कि मैं कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ। छोटा सा ही वार्डरोब है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये मेरा सारा सामान है, मतलब मैं एक ऐसे वुडन का बॉक्स है, वुड का, उसमें रखी हुई हूँ। तो एक एक करके सब निकालते हैं और आपके साथ सेट करते हैं। बहुत सारा सामान है, मतलब कौन कहाँ, लिपस्टिक, बैंगल्स, क्रीम, परफ्यूम, सब एक में मिक्स हो गया है। और कुछ खोजना होता है ना, स्पेशली काजल, तो मुझे वो किसी ज़िंदगी में नहीं मिलता है। तो इसीलिए सोचा कि आज मैं इसको फटाफट से क्लीन करती हूँ, अच्छे से सेट करती हूँ। तो ये मैंने पूरा निकाल दिया और एक एक करके अब सेट करेंगे। तो सबसे पहले लिपस्टिक वाला बॉक्स लेते हैं। एक ये मेरे पास ऐसे टिफिन जैसा बॉक्स था, उसको ही मैंने इसमें लिपस्टिक्स रखना शुरू कर दिया, तो तब से वो रखी रही हूँ। आप देख रहे हो लिपस्टिक्स, नेल पेंट और उसके साथ इतनी सारी ज्वेलरी, सब मिक्स हो गया है। एक एक करके अच्छे से सेट करते हैं। तो सारी जो दो बॉक्स हैं जिसमें आधे आधे लिपस्टिक्स भर चुके हैं, वो सब करते हैं। इसका रिव्यू अभी मैंने पहले दिया था, मामाअर्थ का, मत लेना, बहुत बकवास लिपस्टिक है। तो चलो अब इसमें रखूँगी मैं अपने सारे लिपस्टिक्स। तो ये रहा मामाअर्थ वाला लिपस्टिक, और एक एक करके मैं सारे लिपस्टिक, ये मैक की लिपस्टिक है, ये भी बहुत बकवास है। मतलब ये मुझे कॉस्ट किया था अराउंड 2000, बट एकदम टिकती नहीं है ये लिप्स पे, और बेकार है, बेकार, मत लेना कभी भी। तो ये भी रख लिया और फटाफट से लिपस्टिक रखना शुरू करती हूँ। मामाअर्थ की ज़्यादा ही दिख रही है मुझे। के ब्यूटी की भी लिपस्टिक बहुत अच्छी है, और ये मेरे डॉग ने खा लिया है। और ये कलर इतना सुंदर है ना, ये मेबलिन का बहुत प्यारा कलर है, तो इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। कैप बस खाया अंदर का, ठीक है। तो ये फटाफट से लिपस्टिक मैं रख लेती हूँ। ये कप्स एंड लैशेस की लिपस्टिक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। किस ब्यूटी की लिपस्टिक, मेबलिन की तो बहुत सारी हैं और बेस्ट है। इनसाइड की लिपस्टिक भी बहुत अच्छी होती है, इसके ऊपर रिव्यू बहुत जल्दी देने वाली हूँ मैं। लॉरियल की लिपस्टिक, शुगर की लिपस्टिक्स, लैक्मे, लिपस्टिक्स बहुत सारी हैं, बट कभी भी जाना होता है ना, तो मैं एक ही जो लिपस्टिक होती है वो यूज़ करती हूँ, जो हमेशा टिके मेरे लिप्स पे। तो वो आई थिंक मेबलिन होती है, या के ब्यूटी की भी लिपस्टिक अच्छे से टिकती है। और अभी मैं सर्च कर रही हूँ कि मुझे और भी लिपस्टिक अगर मिल जाए तो ये मेबलिन की मिल गई, छोटे छोटे जो शैशे वाली लिपस्टिक्स चली थी, नायका की भी एक मिल गई। तो इसमें मैंने अपना सारा लिपस्टिक अच्छे से सेट कर लिया। इजी होता है, अगर कभी भी कोई लिपस्टिक लगाना हो तो ये बॉक्स उठाया और उसमें से सर्च कर लिया। अब मैं इसमें रखूँगी अपने नेल पेंट, जो एक दो नहीं है, बहुत सारे ही हैं। रेड कलर है, बट बहुत रेयरली होता है कि मैं रेड कलर अप्लाई करती हूँ, ले लिया होगा ऐसे ही मैंने कभी। और एक बात बताऊँ, इसमें से कोई भी ड्राई नहीं हुआ है। दो लिपस्टिक और मुझे मिल गई है, वो मैंने वहाँ सेट कर दिया। आपको लग रहा होगा इतनी सारी नेल पेंट है तो शायद ड्राई हो गया होगा, नहीं, जो ड्राई होता है वो मैं फेंक देती हूँ, इसमें वही है जो अच्छी हैं। और एक और लिपस्टिक मिली मुझे लैक्मे पॉट की, तो वो भी रख दिया। तो चलो ये हो गया मेरा नेल पेंट का डब्बा रेडी, तो उसको भी साइड में कर दिया। अब इसमें अपनी ज्वेलरी जो छोटे छोटे इधर उधर पहनने वाले होते हैं वो इसमें सेट कर दिया। ये बॉक्स भी रेडी, इसको रख दिया। और ये जो छोटा सा बकेट जैसा है ना, इसके अंदर मैं सारे अपने काजल रखती हूँ, इतने सारे मेरे काजल हैं, वो इसमें मैं सेट कर देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा इजी होता है एक भी पिक करना। इसमें मस्कारा, ये भी रख दिया, आईब्रो पेंसिल जो यूज़ ही नहीं करती हूँ मैं, फाइलर ये भी रख दिया, आईलाइनर, मतलब ये सब चीज़ें जो लंबे लंबे हैं और फटाफट ले सकते हैं। कंसीलर स्विस ब्यूटी का मैंने लिया था अपने भाई की शादी में और आज तक मैंने यूज़ नहीं किया। मामाअर्थ का फाउंडेशन ही अच्छा कवरेज दे देता है तो लगता ही नहीं है। ये लिप लाइन, लिप ब्रश है, वो जो पॉट वाला लिपस्टिक दिखाया था उसका, ये एक और लिपस्टिक मुझे मिल गई है।
इसको भी डाल देते हैं लिपस्टिक बॉक्स में। एक स्विस ब्यूटी का लिप ग्लॉस मिला है, ये भी डाल देते हैं। और ये रेडी हो गया है, इसको यहाँ साइड में रख देते हैं। अभी एक बहुत पुराना टिफ़िन बॉक्स था, इसको मैंने ऐसे ही बना लिया कि इसमें सारे अपने लिप ग्लॉस और जो छोटे मोटे चीज़ जो बहुत हैंडी होते हैं ले लो फटाफट वो वाला सामान, तो इसमें मैं ये है एक स्विस ब्यूटी क्रेज का लिप टिंट, चिक टिंट, बहुत अच्छा है। ये भी मैं यही रख देती हूँ अगर कभी यूज़ हुआ तो। ये स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर बहुत ज़्यादा अच्छा। और एक छोटा सा काजल आईटेक्स का, अच्छा नहीं है मतलब बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो, लेकिन रखा है इमरजेंसी के लिए। तो ये एक मेरा बॉक्स रेडी हो गया, इसमें भी और छोटे छोटे सामान जाने वाले हैं वो मुझे पता है। तो ये मैंने यहाँ रख दिया। अब ये जो स्पेस बचा है ना, यहाँ मेरे जाएंगे सारे बॉडी मिस्ट और मेरे परफ्यूम। तो ये प्लम का बॉडी मिस्ट ये ले लिया, ये बोला जाता है टिकता है बट टिकता नहीं है ज़्यादा टाइम, ये एक घंटा बस रहता है उसके बाद नहीं टिकता है। ये मेरा हेयर सीरम और ये वंडर नाइका वंडरलस्ट के दो बॉडी मिस्ट, ये बहुत अच्छा है गाइज, इसका रिव्यू भी मैंने दिया है, आप इसको प्लीज़ परचेज़ कर लेना अगर लेना हो तो। ये मामाअर्थ का फाउंडेशन बहुत अच्छा कवरेज देता है और मुझे कप्स एंड लैशेज़ का भी फाउंडेशन यूज़ करना है, वो मैं डेफिनेटली उसको बाई करूँगी। ये दोनों मॉइस्चराइज़र मेरे, यही मॉइस्चराइज़र मैं अप्लाई करती हूँ और कुछ भी नहीं। और एक ये बॉक्स ऐसा है ना जिसमें दुनिया जहान की आपको सारी सामान मिल जाएगी, बॉबी पिन, सेफ्टी पिन, छोटी बिंदी, मतलब क्या क्या, वो जो फालतू सामान होते हैं ना जो एक डब्बे में होते हैं वो इसमें मिल जाएगा। तो वो मैंने ऐसे ही रख दिया है, उसको कुछ छेड़ा नहीं है। और मुझे थोड़ा स्पेस और सेट करना पड़ेगा तो वो मैं सेट कर रही हूँ अपने अकॉर्डिंगली कि कैसे अच्छे से सामान रख लूँ। तो ये सेट कर दिया। एक मुझे ब्लू हेवन का मस्कारा भी मिल गया, वो भी मैं इसी बॉक्स में रख दूंगी कभी लेना हुआ तो। ये छोटा सा मेरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब जिसके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ, वो है फिंगर रिंग्स। मुझे बहुत शौक है फिंगर रिंग्स का, आप अभी देखोगे कितने सारे मेरे पास फिंगर रिंग्स हैं। मतलब क्या नहीं शौक है यार, लिपस्टिक का शौक है, नेल पेंट का शौक है, फिंगर रिंग्स का शौक है, बैग्स के शौक हैं, क्या ही बोलूँ मैं। तो आप देखो, ये मैंने मीशो से लिया था गणेश जी वाला रिंग, बहुत प्रिटी लगता है। ये फ्लिपकार्ट का रिंग है, अच्छा है लगता है मुझे रिंग कलेक्ट करना। ये मैंने मिंत्रा से लिया था। तो जितने भी ये मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे, बहुत सुंदर रिंग है वो भी। और जितने भी रिंग के हैं कलेक्शन, वो मैं सब एक साथ रख देती हूँ कि कभी लेना हुआ तो बॉक्स उठाओ और फटाफट से ले लो। तो ये इधर मैं सारे अपने रिंग्स फटाफट से रख रही हूँ, आएंगे नहीं, गिर भी जाते हैं कभी कभी तो, बट स्टिल इसमें अगर सेफ रहे तो, इसमें सेफ रहता है, एक साथ रहता है। ये मैंने मिंत्रा से लिया था, भी बहुत प्रिटी है, यूनिक सा। ये भी मिंत्रा से लिया था, ये एक लोकल शॉप से लिया था। और भी बाकी बहुत सारे रिंग्स हैं गाइस, कभी अगर आप बोलोगे ना रिंग्स के हॉल तो मैं डेफिनेटली खुशी खुशी दिखाऊंगी आपको मेरे पास कितने प्यारे प्यारे रिंग्स हैं। और अभी भी बहुत रहता है मेरे में कि ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, ऐसा वाला। तो ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया अच्छे से, और अभी भी थोड़ा बहुत स्पेस है तो उसको भी मैं डेफिनेटली यूज़ करूँगी। अभी इतना सारा सामान बचा है, इसको कहीं ना कहीं सेट करते हैं। तो ये जो स्पेस है, यहाँ पे मेरे जाएंगे सारे परफ्यूम। तो रेने के परफ्यूम आप ज़्यादा देखोगे मेरे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये परफ्यूम। और ये आई थिंक इसका नाम मैं भूल रही हूँ, नाम बिल्कुल याद नहीं आ रहा। ये छोटू सा है, 120 का मिला था मुझे नाइका से, और इतना अच्छा चलता है ये छोटा वाला। एक मुझे फेसेस कनाडा का लाइनर भी मिल गया, वो भी मैं इसी वाले बॉक्स में रख दूंगी, कभी ज़रूरत हुआ तो ले लिया। बाकी जो ये वुडन के बैंगल्स हैं ना, ये मैं एक साइड रखूँगी अलग से, इसमें नहीं डालने वाली हूँ, तो ये अलग से जाएगा, मैं इसको एक पैकेट में करके उधर रख दूँगी। और ये छोटा सा क्यूट सा मिरर, बहुत ट्रैवल फ्रेंडली है, तो ये भी एक मेरे बॉक्स में चला जाएगा। बचा ये बॉक्स, इसमें मेरे इयररिंग्स जाएंगे जो मैं कहीं पार्टी में जाती हूँ तो पहनती हूँ। और ये वाला इयरिंग मैंने बनाया था लीव से, बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट में मिला था इस इयरिंग के लिए। ये छोटा सा जो कभी यूज़ ही नहीं किया, जो अब ऐसा होता है ना, कॉलेज टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, अभी मेरा मन ही नहीं होता है, मेरा अभी मतलब चेंज होता रहता है, तो तब भी मैंने रखा है कि कभी किसी आउटफिट पे चला जाए तो। ये चांद बाली मीशो से लिया था, ये झुमका एक ही मिला है मुझे, एक आई थिंक मैंने कहीं और डाल दिया होगा किसी बॉक्स में। तो ये सब मैं इसमें पैक करके और अच्छे से रख दूँगी। ये मेरे कॉलेज टाइम का इयरिंग है गाइस, मैं अपने कॉलेज में पहन के जाया करती थी, वो अभी भी है। तो ये बॉक्स रेडी हो गया है, इसको भी कहीं ना कहीं सेट कर ही देती हूँ। आई थिंक यहाँ पे ज़्यादा सही रहेगा, इसके साइड में ये रख देते हैं। तो ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। और ये मेरे गॉगल्स, इसको यहाँ पे थोड़ा स्पेस बचा है तो यहाँ रख देते हैं, ये भी ईजी होता है मिलना। ये कुछ रबर बैंड, ये इस वाले बॉक्स में जाएगा, बोला था ना इस बॉक्स में भी बहुत कुछ जाएगा। एक प्लम का बॉडी परफ्यूम मिला है मुझे, वो भी मैं यहाँ साइड में रख दूँगी।
कभी इजी होता है लेना, सब एक साथ रहता है। तो और कुछ हेयर केयर मेरे इसमें ही थे, तो मैं सोच रही हूँ इसको सब हटा के वॉशरूम में रख देती हूँ, वो ज़्यादा ईजी रहेगा क्योंकि यार ऑलरेडी स्पेस बहुत कम है। तो ये सब जाएगा वॉशरूम में, ये यहाँ नहीं जाने वाला है। और बाकी के जो सामान बचे हैं वो भी शायद कहीं शिफ्ट कर दूंगी मैं। ये बॉम्बे का रेज़र, फेस रेज़र बहुत अच्छा है, बहुत बहुत, नायका से लिया था, सच में बहुत अच्छा है। तो कुछ ऐसा दिख रहा है अब मेरा, मुझे नहीं पता ये कितने दिन ऐसा टिकने वाला है, क्योंकि मेरी आदत है अगर मैं कहीं पार्टी में जा रही हूँ मैं फटाफट फटाफट सारा सामान निकालती हूँ, इधर उधर फेंक देती हूँ, उसके बाद फिर एक हफ्ते बाद मैं फिर ठीक करती हूँ। तो चलो अब इसको वार्डरोब में सेट कर देते हैं। आप देख लो मैंने इसको सेट कर दिया है, ऊपर मेरे सारे हैंडबैग है, सारे नहीं है, कुछ और दूसरे वार्डरोब में है, बट ऐसे मैं थोड़ा ऑर्गेनाइज करती हूँ। ऊपर जो हैंगर, मतलब ऊपर जो मैंने हैंग किया है हैंडबैग में, एक्चुअली वहाँ पर साड़ी या सूट हैंग करते हैं, बट मेरे लिए मेरे बैग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे वो पूरे हैंग किए हैं। बाकी ये सब आप देख लो, लिपस्टिक, नेल पेंट, ईयरिंग्स, काजल, परफ्यूम, सब सेट हो गया है। बस ऐसे ही रहे तो अच्छा लगता है यार। और साइड में जो जगह बचा था वहाँ मैंने पाउच वाउच डाल दिया। कैसा लगा आपको?